जीवनदायी ने 108 व 102 एम्बुलेंस के चालक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रात दिन जागकर लावारिस व गंभीर रूप से घायल व मरणासन्न तथा बीमार लोगों को अपनी गाड़ियों पर लादकर जिला अस्पताल व ट्रॉमा सेंटर पहुंचाकर लोगों को जिंदगी देने वाले 108 व 102 एम्बुलेंस चालक आज खुद फाकाकशी करने को मजबूर हैं। इन एम्बुलेंस चालकों को इनकी फ्रेंचाइजी ना तो समय पर मानदेय दे रही है, ना ही कोरोना से बचने के लिए कोई किट व अन्य खर्च, यहाँ तक कि इनका 3 से 4 माह का मानदेय भी रोक दिया जाता है। जो दिया भी जाता है वह भी आधा अधूरा, ड्यूटी भी समय से अधिक ली जाती है। मालूम हो कि इमरजेंसी सेवा की एम्बुलेंस 108 व 102 के चालक व उनके अन्य स्टाफ अपनी मांगों को लेकर 28 जून सुबह 6 बजे से प्रदेश भर में हड़ताल पर हैं। आपका नाम? अरविंद श्रीवास्तव। क्या समस्या है भैया? समस्या ये है कि कंपनी जो है हम लोग की सैलरी काट काट के कभी 6,000 कभी 5,000 कभी 0 जी, ये समस्या सर्वप्रथम है। दूसरी समस्या है कि हम लोग के इस कोरोना के ड्यूटी में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी गई जी, ना अतिरिक्त कोई सैलरी दी जाती है, ना हमारी कोई जो है समस्या सुनी जाती है। और कोई दिक्कत होती है कंपनी का आती है, आपको निकाल के बाहर कर देंगे, बार बार जो है धमकी देती है। ये सब समस्याएं हैं और हमारी समस्या अनेक प्रकार की हैं, जो कि कई समस्या मैंने इसमें लिखा भी है। और हमारी सैलरी कंपनी द्वारा जो है मनमानी तरह से काट पीट देते हैं, सैलरी कोई डेट फिक्स नहीं है इनकी, और 2012 से चल रहा है इनका प्रक्रिया। हम लोग 2012 से ज्वाइनिंग में हैं और जो है प्रदेश कमेटी और कंपनी जीप के द्वारा कई बार समझौता हुआ इसका, इस बीच समझौते किसी भी बिंदु पर पालन ना करना इनका। और सभी MT और पायलट से 12 घंटे की ड्यूटी लेते हैं, जो कि ड्यूटी जो है 8 घंटे की होनी चाहिए हम लोगों की, और 3 घंटे इनको अतिरिक्त टाइम ओवर टाइम देना चाहिए। मांगे क्या, मतलब जो है आप ये जो समस्या है और कहीं धरना प्रदर्शन हो रहा है? जी, हमारा धरना प्रदर्शन लखनऊ हेड ऑफिस में हो रहा है। हमारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और यूनियन अध्यक्ष जो है, प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष और सारे MT पायलट वहाँ इकट्ठा हुए हैं और अनशन में बैठे हैं।